संस्कृति मम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज ही हमने कितनी अच्छी एकदम बिल्कुल डिजाइन वाला नाश्ता बनाकर तैयार किया है। इस नाश्ते को आप एक बार बनाकर महीने तक स्टोर करके खा सकते हो। चलिए अब हम इसको बनाना बताते हैं। 1 किलो हमने मैदा को अच्छे से छान के ले लिया है। छोटे कप से हमने 1 कप रिफाइंड ऑयल लिया है और बड़े कप से 1 कप हमने बारीक वाला बेसन लिया है और 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है और 1 चम्मच ही हमने काला नमक लिया है। हमने मैदा को एक बड़े बर्तन में डाल लिया है और इसी में हम बेसन को डाल देंगे। बेसन डालने से हमारी इस रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। हमने इसमें 1 कप बेसन डाला है। यदि आप आधा आधा करना चाहे तो आधी मैदा और आधा बेसन, तो आधा आधा भी कर सकते हो। और जो हमने अजवाइन ली थी, अजवाइन को भी हाथों से मैश करके डाल देंगे और इसमें हमने टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे। हमने काला नमक और सफेद नमक को दोनों को साथ में मिक्स करके डाल दिया है और जो हमने रिफाइंड ऑयल लिया था तो रिफाइंड ऑयल को डाल देंगे। यदि आप घी डालना चाहते हो तो घी को भी डाल सकते हो। हमने 1 कप रिफाइंड ऑयल लिया था, इसमें हम आधा रिफाइंड ऑयल डालेंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे। और जो हमारा बाकी का रिफाइंड ऑयल बचा था उसको हम इसमें डाल देंगे और दोनों हाथों से अच्छे से इसको सारी मैदा में मिला देंगे। देखो हमने तेल को अच्छे से मिला लिया है। हमें इतना इसमें मोयन मिलाना है। जब इसी मुट्ठी से हम इसको बांधेंगे, देखो इसका पीड़ा जैसा बनने लगा है। इसमें हमें बहुत ज्यादा तेल नहीं डालना है। हमने दोनों हाथों से अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा लगाकर तैयार करेंगे। हमने 1 कप पानी ले लिया था। देखो 1 कप हमने सारा पानी डाल दिया है। अब हम दूसरा कप पानी से भर कर ले लेंगे। हमने पूड़ी की तरह आटा लगाकर तैयार कर लिया है। इसको हम 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी मैदा अच्छे से फूल चुकी है। अब हम इसकी रेसिपी बनाएंगे। एक हमने बड़ी लोई बनाकर तैयार कर ली है। इसकी हम बड़ी रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इसकी हमने एक मोटी रोटी बेलकर तैयार कर ली है। देखो ना ज्यादा बहुत मोटी रोटी है, ना ही ज्यादा पतली है। हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। और हमने 1 कटर ले लिया है। इस कटर से हम इस तरीके से डिजाइन वाली मठरी बनाकर तैयार करेंगे। देखो हमने इसको ऐसे निकाल लेंगे और जो साइड वाला आटा होगा उसको हम दूसरी लोई में बनाकर तैयार कर लेंगे। देखो सारी हमने डिजाइन वाली मठरी बनाकर तैयार कर ली है। जो साइड वाला आटा होता है उस आटा को हम ऐसे आराम से निकाल लेंगे और दूसरी लोई में मिक्स कर देंगे। देखो ये हमारी कितनी अच्छी डिजाइन वाली मठरी बनकर तैयार होती जाती है। इसको हम एक बर्तन में रख देंगे। उसी तरीके से हमने दूसरी रोटी बेलकर तैयार कर ली है और इसी कटर से हम दोबारा से डिजाइन वाली मठरी काट लेंगे। यदि आपके पास कटर ना हो तो आप चाकू से भी मठरी को काट कर तैयार कर सकते हो। देखो हमारी कितनी अच्छी एकदम बिल्कुल डिजाइन वाली मठरी बनकर तैयार हो चुकी है। हमने इतनी मठरी बनाकर तैयार कर ली है और जो हमारा बाकी का हमारी मैदा बची है, इसी तरीके से हम उसकी भी मठरी काट कर तैयार कर लेंगे। हमने गैस को जला लिया है। गैस पर कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है और जो हमने डिजाइन वाली मठरी बनाकर तैयार की थी उसको हम इसमें डाल देंगे और गैस को हम धीमा कर देंगे, क्योंकि जो हमारा तेल है वो बहुत ज़्यादा गर्म है। कढ़ाई में हमारी एक बार में जितनी मठरी आ जाए उतनी ही हम इसमें डाल देंगे। एक बार में हमारी कढ़ाई में जितनी मठरी बनी है उतनी हमने डाल दी है। गैस को हम बिल्कुल धीमा ही रखेंगे। धीमी गैस पर इनको लगातार चलाते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इनको हम सेंकेंगे। हमारी मठरी थोड़ी सिक चुकी थी, हमने बिल्कुल धीमी गैस पर इनको
3-4 मिनट सेंका है क्योंकि हमारा जो तेल था जो बहुत ज़्यादा गर्म था। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे, मीडियम गैस पर 2 मिनट तक इसको और सेंकेंगे। हमारी मछली अच्छे से सिक चुकी है, इसमें देखो कितने अच्छे से कलर भी आ चुका है। इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी देर तक झरिया को हम ऐसे ही कढ़ाई में रोके रहेंगे, जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो सारा कढ़ाई में निकल जाएगा और जो हमारा बाकी का आटा बचा है इसी तरीके से हम उसकी भी मटरी बनाकर तैयार कर लेंगे। देखो हमने सारी मटरी को बनाकर तैयार कर लिया है, कितनी अच्छी एकदम बिल्कुल हमारी फूली फूली एकदम बिल्कुल क्रिस्पी मटरी बनकर तैयार हुई है। आज ही हमने मैदा और बेसन की डिजाइन वाली मटरी बनाकर तैयार की है। इस दिवाली आप इस तरीके से मटरी बनाकर तैयार कर सकते हो, त्योहारों से पहले भी इस नाश्ता को आप बनाकर रख सकते हो। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर जरूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।